मंत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो मंत्री बनेंगे। हाँ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमको फोन आया जो आप आइए पटना। किनका फोन आया था? पहले संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी साहब को आए, उसके बाद सीएम साहब को। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बीच जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को सीएम आवास बुलाया गया है। पहले संसदीय कार्य मंत्री ने फोन किया, फिर मुख्यमंत्री ने फोन किया और अब सीएम से मिलने के लिए पहुंचे रत्नेश सदा। इनसे सीधे बातचीत करते हैं, क्या कुछ सूचना मिली थी और क्यों पटना पहुंचे और क्या कुछ कैबिनेट विस्तार को लेकर बातें हैं। मंत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो मंत्री बनेंगे। हाँ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। रत्नेश सदा जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के विधायक हैं, पार्टी ने इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए पटना बुलाया। सर सबसे पहले तो आपको बधाई, क्या कुछ आज बातचीत हुई थी और क्या कुछ फोन आया था? हमको फोन आया जो आप आइए पटना। किनका फोन आया था? पहले संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी साहब को आए, उसके बाद सीएम साहब को आया और उसके बाद विजेंद्र बाबू को आया। क्या बोला गया था सर? आप आइए पटना। पटना सीएम आवाज आके मिलने के लिए बोला गया था। ठीक है सर, आ गया। क्या सर कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है तो क्या लग रहा क्या? अभी तक देखिए सीधे तौर पे रत्नेश सदा जी हैं और इनको नीतीश कुमार ने अपने कोटे से मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है उसमें मंत्री बनाने के लिए इनको पटना बुलाया गया है। और अब देखिए ये सीएम आवास जाने वाले हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से रत्नेश सदा ने कहा कि अब अच्छा क्या लगता है सर, जब आपके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी इसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि भाई कई विधायकों को इसमें मौका नहीं मिला, आपको मौका मिला है, नीतीश कुमार के प्रति आभार जताइएगा? पूरे आभार के साथ हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का कृपा है कि हमको उन्होंने बुलाया और जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम निर्वहन करेंगे। हो गया। जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा थे, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो है पूरा अधिकार है, वो क्या कुछ लेते हैं, जो फैसला मुख्यमंत्री लेंगे वो भैया मानेंगे। जनता दल यूनाइटेड के कोटे में मंत्रिमंडल विस्तार की बातें निकल के सामने आ रही थी। इस बीच रत्नेश सदा पटना पहुंचे हैं सीएम हाउस जाने के लिए और उन्होंने सीएम हाउस जाने से पहले क्या कुछ कहा है, इस पूरे बयान को सुनिए। रत्नेश जी क्या कुछ सूचना मिली के बीच में? रत्नेश सदा क्या मिली बुलाया गया सर सीएम हाउस? सिर्फ निर्देश मिला आज आप पटना आए। मतलब किसने फोन किया और क्या निर्देश मिला? पहले तो संसदीय कार्य मंत्री फोन किए। हाँ। उसके बाद सीएम साहब फोन किए। अच्छा। और उसके बाद विजेंद्र फोन, विजेंद्र बाबू फोन। आपको तो क्या लगता है सर चर्चा है कि आप मंत्री बनने वाले हैं? अब तो वो माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, उनका पर्सनल अधिकार है, वो बना देंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।